फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। जो हालात हैं, क्या उन्हें देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मेरठ कोरोना की जंग जीत लेगा? शास्त्री नगर PVS के सामने खरबंदा शॉपिंग हब के संचालक को बीती शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम ले गई थी, लेकिन नहीं तो इस इलाके को अभी तक सील किया गया है और न ही एहतियातन कोई उपाय ही किए गए हैं। आज सुबह रोजाना की ही तरह आसपास की दुकानें खुली और लोगों ने जरूरत का सामान भी लिया। खरबंदा परिवार वही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रहता है। हाल यह है कि दोपहर के 12 बजे तक भी वहाँ जिला प्रशासन द्वारा कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए गए थे। कोरोना को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? इसका जवाब यही दिया जा रहा है कि तुरंत ही उस इलाके को सील कर सैनिटाइज किया जाए और लोगों की आवाजाही को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए। ऐसा हम नहीं बल्कि शासन की गाइडलाइन है। गंभीर बात यह है कि मेरठ शहर में रोजाना ही दहाई के अंक में संक्रमित सामने आ रहे हैं। पिछले 4 दिन में 4 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मेरठ में मरने वालों का कुल आंकड़ा 10 हो चुका है। इनमें बिजनौर के एक डॉक्टर की मेरठ में इलाज के दौरान हुई मौत भी है। स्वास्थ्य विभाग इसे अपना न मानकर अभी तक मृतकों की संख्या 9 ही बता रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विभाग के प्रशासन के पास संक्रमित लोगों की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन इन्हें एक साथ डिक्लेयर न कर रोजाना दहाई के अंक में घोषित किया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि करने को कोई भी तैयार नहीं है। बीती शाम कोरोना पॉजिटिव पाने पर आनंदित नर्सिंग होम के लगभग सामने स्थित खरबंदा शॉपिंग हब के संचालक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ले जाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया था। परिवार के सबसे बड़े यह भाई इस शॉपिंग हब के अलावा भगत सिंह मार्केट में भी दुकान देखते हैं। आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि होना यह चाहिए था कि इलाके को सील कर तुरंत सैनिटाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे लोगों में दहशत है। बता दें कि मोहल्ला खटीकान देवपुरी में संक्रमित मरीज पाने के 3 दिन बाद कल क्षेत्र को सील कर सैनिटाइज किया गया। इतनी लेट लतीफ़ी कितने लोगों की जान लेगी यह समझा जा सकता है। हालात यह है कि संपूर्ण भाजपा इन दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो गई है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अब VC पर फोटो सोशल मीडिया पर डालकर अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। ऐसे में मेरठ दक्षिण विधानसभा से भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर ने थोड़ा बहुत साहस दिखाते हुए व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए CM योगी से बात की है। उनके प्रतिनिधि द्वारा फर्स्ट बाइट को दी गई जानकारी के मुताबिक सोमेंद्र तोमर ने कहा है कि मेरठ जिले में हालात बेहद गंभीर है, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था ठीक नहीं है, मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा है, रोजाना ऐसे आरोप लग रहे हैं, यही कारण है कि मरीज वहां जाने से डर रहे हैं। विधायक द्वारा ये सवाल खड़े करना यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग वो कदम नहीं उठा रहा है जिसकी उन्हें अपेक्षा है, और यही कारण है कि 3 दिन के बाद संक्रमित इलाकों को सील करने की याद आ रही है। इस खबर में आज इतना ही। कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वयं को बचाए रखें, कोई बचाने नहीं आएगा, यहाँ तो खुद ही अपना बचाव करना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार।